जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। हम सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने खूब शानदार रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, गदर मचा के रख दिया था स्टॉक मार्केट में। इस स्टॉक ने काफी लोगों ने इसमें बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन अब इस स्टॉक में जाके गिरावट होने लगी है। और चूंकि गिरावट किस वजह से हो रही है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, मैं अभी आपको स्पष्ट कर देता हूं कि यदि आपने हाल फिलहाल में भी बाई किया है इस स्टॉक को, या बहुत पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं अपने शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और कम से कम जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें पैसा लगाए हैं उनको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए स्टॉक का प्राइस कितना भी नीचे आ जाए। हालांकि कोई भी स्टॉक नीचे आता है तो एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं आता है, और वो सर्टेन लेवल इस स्टॉक के लिए कौन सा है यह भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा भी इसलिए था क्योंकि कंपनी के एक तो नंबर काफी अच्छे आ रहे थे, प्लस कंपनी में कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस हुए थे। जैसे आपको पता था कि जुलाई अगस्त में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया था, तो स्प्लिट या बोनस या जब भी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाला होता है तो उसमें लोग भर भर के पैसा लगाते हैं, तो ओवर प्राइस होने के बाद शेयर का प्राइस का एडजस्टमेंट होना बनता तो है। कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो उसके बाद प्राइस का एडजस्टमेंट होता ही है, तो एडजस्टमेंट होने की वजह से प्राइस नीचे आ रहा है। प्लस कंपनी के क्वार्टर्स के और जून क्वार्टर के नंबर आने थे जो क्वार्टर फर्स्ट, वो भी कुछ खास अच्छा नहीं आया, तो ये मेजर कुछ रीजंस हैं। हालांकि आपको इससे घबराना नहीं, क्यों नहीं घबराना है वो मैं आपको अब बताता हूँ, आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी हम सभी जानते हैं कि ये एक मोजे बनाने वाली कंपनी है। हालांकि भारत की सबसे पुरानी कंपनी है जो इस बिजनेस में काम करती है, लेकिन इसके पास भारत की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है और ये बुनियादी ढांचे पे कंपनी काम करती है। और ये जो कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, जो ढांचा है काम करने का, जिसके बदौलत कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, जो सॉक्स कंपनी बनाती है, यही वजह है कि इसको काफी पसंद किया जाता है भारत में, काफी फेमस है और ये ब्रांड भी काफी मतलब जाना पहचाना है, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो काम करती है इस काम के भी आप पे इसके शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में ही तेजी आएगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में तो किसी भी स्टॉक में शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, लॉन्ग टर्म में प्राइस को जाना ऊपर ही है। अब समझिए, फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड जो कंपनी है एक स्मॉल कैप श्रेणी कंपनी, कोई छोटी मोटी कोई पेन स्टॉक तो है नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, डूबने जैसी कोई बात नहीं है। प्लस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो माइनस में नहीं है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, आप थोड़े समय के लिए इसमें यदि रुकेंगे तो पैसा इस स्टॉक में बनेगा, इतना तो फिक्स है। अब यहाँ पे समझिए, प्राइस काफी बढ़ा था क्योंकि यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ था, ट्रेंड अप ही था जब इसमें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुआ उसके पहले से भी, तो प्राइस तो जब अप ट्रेंड में आ रहा हो तो प्राइस कॉन्सोलिडेशन से निकलने के बाद ऊपर तो जाएगा, इतना तो गारंटी है। हालांकि ऊपर जाने के बाद जो नीचे आया उसके बाद प्राइस फिर से कॉन्सोलिडेशन रेंज में आया, लेकिन इस बार कॉन्सोलिडेशन रेंज से प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर पाया और ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे आ गया। हालांकि होता यह है कि जब भी प्राइस कॉन्सोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ होता है तो यहाँ से निकलने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है। मैं रेगुलर अपने स्टॉक्स पे अपने वीडियो में इस तरह के जब भी चार्ट एनालिसिस करता हूँ तो आपको बताता ही हूँ कि कॉन्सोलिडेशन रेंज में है तो ऊपर गया है या जाने वाला और जाता भी, लेकिन यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया। अब नीचे आया क्योंकि यहाँ पे चूंकि सेलर्स ज्यादा थे, बायर्स कम थे, दूसरी बात कंपनी के जिस मैंने शुरू में बताया कि क्वार्टर्स के नंबर अच्छे नहीं आए थे तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तीसरी बात कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शंस किए थे, यानी कि इसमें जो था स्टॉक स्प्लिट हुआ था, स्टॉक स्प्लिट के बाद प्राइस का एडजस्टमेंट होता है तो इस वजह से प्राइस को नीचे आना था, तो इन सब रीजन से प्राइस नीचे आया, नीचे आ रहा है, अब ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। मैंने शुरू में बताया था कि हर स्टॉक का अपना एक लेवल होता है, एक सर्टेन लेवल होता है, उसके नीचे प्राइस नहीं आता है। जिससे मैं इस स्टॉक के लिए बताऊँ, इसके लिए जो सर्टेन लेवल है वो यही है, एक रुपये का लेवल। यहाँ पे भी देखेंगे तो एक रुपये के लेवल के आसपास इसने काफ़ी समय बिताया था और यहाँ से भी प्राइस एक रुपये के लेवल को ब्रेक करके ही प्राइस ऊपर गया था, फिर से प्राइस एक रुपये के लेवल के पास आ गया है। तो यहाँ से क्या होगा, प्राइस अब यहाँ से थोड़ा समय बिता के प्राइस यहाँ पर समय बिताएगा और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर निकलेगा, लेकिन एक रुपए से नीचे आने के चांसेस स्टॉक को बहुत कम है, लगभग लगभग कह सकते हैं कि 0.0001% का चांस है। हालांकि इतना भी चांस लगभग नहीं है क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, मेरा तजुर्बा कहता है, एकदम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास इस स्टॉक का प्राइस आगे ठहरा हुआ है। एक रुपए के आसपास आने के बाद देखिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन वो फिर से घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा और फिर एक रुपए के आसपास से प्राइस ऊपर उठना शुरू करेगा। तो आपको अभी नया इसमें कोई बाइक करना चाहते तो नया बाइक करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक इस स्टॉक का प्राइस अपने वापस 2.5 रुपए से 3-3.5 रुपए के बीच में, तो आपको अभी वेट करना है। आप
थोड़ा महंगा लीजिएगा लेकिन कन्फर्मेशन के साथ लीजिएगा तो आप ज्यादा समय तक इस स्टॉक में टिक पाएंगे। बाकी ओवरऑल क्या है कि ये स्टॉक का काम धाम, बिजनेस मॉडल जो है, प्लस कंपनी का जो फंडामेंटल है, सब चीज बढ़िया है। बस टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल डाटा थोड़ा सा नहीं बोल रहा है उसके पास है, उसको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके चलना है। तो उम्मीद करता हूँ जो छोटा सा अपडेट मैंने आपको इस वीडियो में दिया है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।